नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा। शराब के नशे में वाहन चलाने वालों ने कई दुर्घटनाओं को अंजाम दिया। एक तरफ जहां पुलिस लिखी बुलेरो कार घर में घुस गई, तो दूसरी तरफ एक ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसा, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं एक पिकअप वाहन जोरदार टक्कर मारते हुए पलटी खा गई। इस तरह की कई घटनाएं अलग अलग स्थानों पर घटित हुई हैं। आपको बता दें, पहली घटना चोराटा थाना क्षेत्र में हुई, जहां अनियंत्रित ट्रक दुकान में जा घुसा और लाखों का नुकसान कर दिया। तो वहीं दूसरी घटना भी चोराटा में ही है, जहां अनियंत्रित ट्रक घर में घुस गया, जिसने बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। ट्रक चालक शराब के नशे में बताया जा रहा है, घटना में काफी नुकसान हुआ है। वहीं समान थाना क्षेत्र में भी ओमनी कार चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मार दिया, जिसमें दिनेश कुमार गुप्ता निवासी खुटे ही घायल हो गए। इसी तरह से ट्रक का चालक देवेंद्र साकेत लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मिठाई लाल कोल को टक्कर मार दिया। घटना खोवर रोड के किनारे बताई जाती है, जिसमें फरियादी का मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। वही अगली घटना रेलवे मोड़ के पास बिजली कार्यालय के सामने हुई, जहां शैलेंद्र कुमार निवासी चालक की पूरी की दुकान को ट्रक चालक ने क्षतिग्रस्त कर दिया। सभी घटनाओं में गाड़ी शराब के नशे में चलाना बताया जाता है। आपको बता दें कि चोराहटा से रतहरा के बीच आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। कहीं खराब सड़क तो कहीं ओवरब्रिज के सामने संकेतक ना लगे होना आए दिन दुर्घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस मार्ग में अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो कभी भी बड़ी घटना भी घटित हो सकती है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।